हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शशांक एंड आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेगेरो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि था डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए। तो इन डेप्थ आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या इस रोल का पैकेज था। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो रोल था वो 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए था। तो चलते हैं आगे और बताते हैं सारा कुछ। सबसे पहले मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से विद इन 1 or 2 डेज मुझे एक एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक आया, जिसमें कि 50 क्वेश्चन पूछे गए मुझसे और टाइमिंग जो था 30 मिनट था। इंटरव्यू वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट था उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन थे उसमें मोस्टली रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। रीजनिंग में भी सीरीज वाला क्वेश्चन था, इनकोडिंग डिकोडिंग था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इजिली मेरे से क्रैक हो गया। तो उसके 1-2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो चलते हैं, जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं कि हर एक इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने एक मॉडल आंसर आपके लिए तैयार करके इसमें डाला हुआ है, जो कि हर मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप भी उसको बोले। मैं इसमें रोल्स वगैरह भी ऐड करता हूँ कि मेरे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डे टू डे लाइफ क्या है, मतलब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं क्या क्या करता हूँ, मतलब मेरा जो मोस्टली काम होता है डेटा माइग्रेशन के ऊपर होता है, बिजनेस रूल्स अप्लाई करने के होता है, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर होता है। तो मैंने सारा चीज़ को इन डेप्थ में इंट्रोडक्शन के अंदर बताया। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था उन्होंने मतलब जो भी स्किल्स थी उसके ऊपर रेटिंग पूछा, जैसे SQL में क्या रेटिंग है, तो मैंने 4 out of 5 दिया अपने आपको। लाइक डेटा मॉडलिंग में क्या है, ADF में क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह पूछा। उसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन था उनका डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वैरकर। तो हम जानते हैं कि कैरेक्टर एंड वैरकर बोथ यूज टू स्टोर कैरेक्टर डेटा, बट डिफरेंस इसमें क्या है कि वो कैसे करते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कैरेक्टर जो होता है स्टैटिक टाइप का होता है, वैरकर जो होता है डायनेमिक टाइप का होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, कि अगर आपको एक कैट वर्ड है उसको कैर के अंदर और वैर के अंदर करना है, तो कैर को अगर हम 5 साइज डिफाइन करेंगे और वैरकर को भी 5 साइज का डिफाइन करेंगे, तो कैर के अंदर वो जो फर्स्ट 3 लेटर है वो कैट का वो फिक्स मतलब वो तो चला जाएगा, बाकी 2 स्पेस एम्प्टी मतलब छूट जाएगा। बट वैरकर के अंदर क्या होता है, वो उतना ही स्पेस एक्वायर करेगा जितना ही वर्ड का साइज है, मतलब कैट का जितना साइज है, 3 स्पेस ओनली। दूसरा क्वेश्चन जो था वो प्रिंट टू टेबल, मतलब यहाँ पे 2 टेबल दिए गए थे, तो उनकी आईडीज दी गई थी और मुझे बोला गया था कि आउटपुट देना है लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन का। तो लेफ्ट ज्वाइन में हम जानते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन में रिटर्न होता है मतलब लेफ्ट ज्वाइन का पूरा डेटा और मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट वन, और इनर ज्वाइन में क्या होता है दोनों में से जो भी मैचिंग डेटा होता है वो रिटर्न होता है। राइट ज्वाइन में भी राइट का पूरा डेटा और लेफ्ट में मैचिंग डेटा जो होता है, फुल में पूरा डेटा दोनों टेबल से रिटर्न होता है। थर्ड क्वेश्चन जो था, गिव अ सेट ऑफ डेटा प्लीज मेंशन, मतलब उन्होंने एक डेटा दिया मुझे, आईडीज थी और बताया कि उसका रैंक और डेंस रैंक प्रोवाइड करो मुझे। तो रैंक और डेंस रैंक के बारे में अगर बात करें, तो रैंक क्या करता है मतलब नंबर को स्किप करता है और डेंस रैंक नंबर को स्किप नहीं करता है। अगर बात करें ये वाला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, तो इसमें 2 2 3 3 8 8 5 5 ऐसे करके, तो उसका रैंक देखते हैं, तो ये वाले 2 को रैंक प्रोवाइड हुआ फर्स्ट, फिर अगर सेम नंबर है तो उसको भी सेम रैंक प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पे 3 है लेकिन ये क्या किया, उस नंबर को स्किप कर दिया और यहाँ पे जो है थर्ड पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग नंबर फिल कर दिया। फिर ये नंबर सेम है तो थर्ड ही होगा, फिर ये नंबर सेम है तो थर्ड ही होगा। फिर अब हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 यहाँ पे 8 है तो मतलब 5 के बाद यहाँ पे 6 प्रोवाइड होगा, मतलब रैंक प्रोवाइड करेंगे वो। उसके बाद फिर 8 है तो 6 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ तक में अगर काउंट करेंगे तो हम 7 नंबर हो जाता है हमारा, तो अगला जो होगा 8 होगा और फिर नंबर सेम है तो फिर यहाँ पे 8 होगा। डेंस रैंक में क्या होता है कि नंबर को स्किप नहीं किया जाता, तो 2 का 1 होगा, फिर इस 2 वाले का फिर डेंस रैंक प्रोवाइड होगा 1। 3 है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर स्किप हुआ था, यहाँ पे नंबर स्किप नहीं होगा, तो इसका भी क्या होगा 2 2 2, और फिर 8 का 3 होगा, फिर 8 का 3 होगा, 5 का 4 होगा, इस तरह से रैंक और डेंस रैंक मैंने बताया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू नल दिया हुआ था यहाँ पे, और वेयर कंडीशन से फिल्टर आउट किया हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट में, मैंने तो आंसर करा था 0, जो कि मेरे हिसाब से सही है, और क्योंकि आईडी को वेयर कंडीशन लगा हुआ है और आईडी जो है नल है, आईडी इज इक्वल टू नल लिखा हुआ है तो ये फिल्टर आउट कर देगा उसको, तो मैंने इसका आंसर 0 प्रोवाइड किया हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, ये 2 टेबल के अंदर एक कॉलम था आईडी का, दूसरे टेबल के अंदर एक कॉलम था आईडी और नेम का, तो वो यूनियन ऑल करके मुझसे पूछे, तो इसका आंसर मैंने प्रोवाइड किया था 8 वहाँ पे इंटरव्यू में, और आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में बताएं। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था मुझसे, डिफरेंस बिटवीन इजनल एंड कोलेस, तो इजनल क्या करता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। आप जानते हैं कि इजनल जो है एक फंक्शन है, मतलब वो 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है अगर वो चेक करता है, अगर वो नल है तो सेकंड वन रिटर्न करता है, अगर वो नल नहीं है तो फर्स्ट वन एज इट इज रह जाता है। कोलेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल आर्गुमेंट मतलब लेता है और रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट नॉन नल वन एंड रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वन, ठीक है, दोनों जो यूज होता है नल को हैंडल करने के लिए यूज होता है। सातवां जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ADF के अंदर से पूछा गया था, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रन टाइम इन ADF, तो मैंने वहाँ पे 3 बताया था, मुझे 3 का ही नॉलेज था तो मैं 3 बताया, लेकिन मेरे रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 4 types of IR होते हैं। पहला IR के बारे में बात करते हैं, तो Azure इंटीग्रेशन रन टाइम, इसमें क्या होता है कि ये IR हम तब यूज़ करते हैं जब हमें Azure ब्लॉब स्टोरेज से, डेटा लेक से, Azure SQL डेटाबेस और Azure Synapse एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना रहता है
ADF को तो हम यूज करते हैं Azure रन टाइम, Azure इंटीग्रेशन रन टाइम। दूसरा वाला जो सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम है, वो जब हमें SQL सर्वर या ऑन प्रीमिसेस डेटाबेस को कनेक्ट करना रहता है ADF के साथ, तब हम यूज करते हैं। Azure SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम हम तब यूज करते हैं जब हम SSIS पैकेज के साथ काम करते हैं। फोर्थ वन जो मुझे पता नहीं था, Azure फंक्शन ऐप इंटीग्रेशन रन टाइम। ये रन टाइम अलाउ करता है आपको एग्जीक्यूट Azure फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ADF पाइपलाइन। इट प्रोवाइड्स सर्वरलेस कंप्यूट टू रन कोड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट और स्पेसिफिक ट्रिगर। तो ये चार टाइप के IRs होते हैं जो कि मैंने डिफाइन किया था 3 वहां पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था मुझसे, वो टाइप्स ऑफ ट्रिगर, कितने टाइप का ट्रिगर होता है ADF में, तो मैंने बताया था सारा। तो बेसिकली मैंने वहां पे 3 ही बताया था, मुझे 3 का ही नॉलेज था, शेड्यूल ट्रिगर, टंबलिंग विंडो, इवेंट बेस्ड ट्रिगर। ठीक है, तो शेड्यूल ट्रिगर में हम क्या करते हैं, मतलब हम सपोज मुझे आवरली कोई डेटा को सिंक्रनाइज, मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को सिंक्रनाइज करना है आवरली बेसिस पे, तो हम उस टाइम पे शेड्यूल ट्रिगर करेंगे। वहाँ पे टाइमिंग रहता है सेट करने का ऑप्शन, कि मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जब से हम स्टार्ट करना चाहे। सपोज हमको आज के 5 बजे से स्टार्ट करना है और अगला जो मेरा पाइपलाइन चलना चाहिए वो 6 बजे चलना चाहिए, तो हम आवरली फ्रीक्वेंसी वहाँ पे चूज करेंगे ऐसे करके। दूसरा जो है टंबलिंग विंडो ट्रिगर होता है, डिफाइंस फिक्स साइज नॉन ओवरलैपिंग एंड कंटिन्यूस टाइम इंटरवल टू ट्रिगर पाइपलाइन यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल। जब हमको हिस्टोरिकल डेटा, इसके बाद ही जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे इसी वाले ट्रिगर पे पूछा गया था, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। तीसरा है इवेंट बेस्ड ट्रिगर, मतलब ये क्या है, मतलब इनिशिएट पाइपलाइन रन बेस्ड ऑन इवेंट सच एज फाइल अराइवल, डेटा अराइवल और मैनुअल इन्वोकेशन। मतलब क्या होता है कि जब देखो आपका सपोज करो पाइपलाइन के बाद, पाइपलाइन से सपोज ब्लॉब स्टोरेज के अंदर आप या फिर ADLS के अंदर कोई फाइल आई पाइपलाइन के थ्रू या फिर किसी भी वे में, तो वहाँ पे हम एक इवेंट बेस्ड ट्रिगर मतलब नोटिफाई कर सकते, इवेंट बेस्ड ट्रिगर नोटिफाई होता है जिससे कि मतलब ट्रिगर होता है बेसिकली इवेंट बेस्ड, तो इसको इवेंट बेस्ड ट्रिगर हम बोलते हैं, इन पाइपलाइन को इनिशिएट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद चौथा जो होता है डेटा ड्रिवन ट्रिगर, डायनेमिकली ट्रिगर्स पाइपलाइन रन बेस्ड ऑन कंडीशन और डेटा अवेलेबिलिटी अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोज। ठीक है, चार टाइप के ट्रिगर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 9th वन, रनिंग अ पाइपलाइन फॉर पास्ट डेट इन एज्योर, तो हम लोग कौन सा ट्रिगर यूज करते हैं अगर हमको हिस्टोरिकल डेटा को रन करना है। तो अभी हमने बताया टंबलिंग विंडो ट्रिगर यूज करते हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर, तो मैंने बताया था वहाँ पे। 10th नंबर क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो इन ADF, कितने टाइप का डेटा फ्लो होता है, तो मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, मैपिंग डेटा फ्लोज और रैंगलिंग डेटा फ्लोज। मैपिंग का आप देख सकते हो डेफिनेशन, विजुअल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो दैट अलाउ यू टू डिजाइन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक विदाउट राइटिंग कोड। ठीक है, और रैंगलिंग में क्या होता है, दिस आर मोर एक्सप्लोरेटरी एंड कोड फ्री डिजाइन फॉर डेटा प्रिपरेशन टास्क अलाउइंग यू टू मॉडल क्लीन एंड एनरिच डेटा यूजिंग ए स्प्रेडशीट लाइक इंटरफेस। तो ये 2 टाइप का डेटा फ्लो होता है। फिर उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन अगला पूछा गया 11th नंबर, नेम एनी 8 एक्टिविटीज इन ADF, तो ADF में मैंने जितने भी एक्टिविटीज के साथ काम किया था मैंने वो लिस्ट आउट किया वहाँ पे, और भी मैंने बताया बस 8 ही मेरे से पूछा गया था। तो मैंने ये कॉपी डेटा एक्टिविटी, आप जानते हो कॉपी करना के लिए, कॉपी करने के लिए यूज होता है वेरियस डेटा स्टोर के अंदर। लुकअप एक्टिविटी, रिट्रीव्स अ डेटा सेट फ्रॉम एनी डेटा स्टोर। गेट मेटा डेटा एक्टिविटी, किसी फाइल का इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए होता है। फॉर ईच एक्टिविटी, मतलब इटरेट करने के लिए होता है ओवर कलेक्शन। वेब एक्टिविटी, कॉल्स अरेस्ट एंड पॉइंट के लिए यूज होता है। एक्जीक्यूट पाइपलाइन, इनवोक्स अनदर पाइपलाइन, किसी पाइपलाइन को इनवोक करना है तो एक्जीक्यूट पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। डेटा फ्लो एक्टिविटी, एक्जीक्यूट डेटा फ्लो। फिल्टर एक्टिविटी, फिल्टर और डेटा सेट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो ये मैंने आंसर किया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो उसके बाद जो पूछा गया मुझसे, नेम 8 to 10 ट्रांसफॉर्मेशन इन ADF डेटा फ्लोज, तो ऐसे 8 से 10 मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बताना है ADF डेटा। तो मैंने ये लिस्ट आउट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको, सेलेक्ट, डिराइव्ड कॉलम, फिल्टर, एग्रीगेट फंक्शन, सॉर्ट, ज्वाइन, लुकअप, विंडो, कंडीशनल यूनियन। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, कॉपीइंग द लेटेस्ट फाइल फ्रॉम अ स्टोरेज फोल्डर इन ADF। सपोज ही गेव मी अ सिनेरियो, उसमें उन्होंने बोला कि सपोज करो एक किसी स्टोरेज के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल का कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, सच एज अपलोडिंग डेट, कोई डेट, उसके अंदर से हमें लेटेस्ट डेटा को फाइंड आउट करना है, मतलब लेटेस्ट फाइल को कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो बताना था मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो अप्रोच बताया, आप अपना बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, इससे अच्छा बेटर अप्रोच आपके पास कुछ है तो। मैंने जो बताया, मैंने पहले गेट मेटा डेटा एक्टिविटी यूज़ करूँगा, उस फाइल हरे टू लिस्ट ऑल फाइल्स इन द फोल्डर। ठीक है, उसके बाद अनदर गेट मेटा एक्टिविटी के अंदर एक फॉर ईच लूप जो कि लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ ईच फाइल को गेट करेगी। उसके बाद सेट वेरिएबल एक्टिविटी टू कीप ट्रैक ऑफ द मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड फाइल। ठीक है, और फाइनली यूज द कॉपी डेटा एक्टिविटी टू कॉपी द आइडेंटिफाइड लेटेस्ट फाइल। ठीक है, तो ये 4 मैंने उन्हें स्टेप्स बताए कॉपी करने के लिए लेटेस्ट फाइल को। उसके बाद मैंने डेवऑप्स भी मेंशन किया हुआ था, लाइक रिक्वायरमेंट था उनका, तो एज्योर डेवऑप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म CI/CD, तो मैंने CI/CD के बारे में बताया, मैंने क्या क्या काम किया, जेंकिंस वगैरह पे मैंने काम कर रखा हुआ है, तो मैंने उसका एग्जांपल देकर के समझाया उसको। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एज्योर डेवऑप्स, एज्योर डेवऑप्स का जो कंपोनेंट्स है क्या क्या है, तो बताया था मैंने एज्योर बोर्ड्स, पाइपलाइंस, रेपोज, टेस्ट प्लान, आर्टिफैक्ट्स, ये सारा चीज मैंने बताया था। उसका 16 नंबर क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने, डिप्लॉइंग चेंजेस फ्रॉम, सपोज हमें ADF से गिट को कुछ चेंजेस को डिप्लॉय करना है तो कैसे करते हैं हम,
उसके लिए तो आप जानते हो कि कनेक्ट करते हैं IDF को गिट रिपोजिटरी के साथ, ठीक है। चेंजेस अगर कोई भी करते हैं तो कमिट करते हैं लोकल गिट ब्रांच के अंदर, पब्लिश करते हैं चेंजेस को, तो वो कोलाबरेट हो जाता है मेन ब्रांच के साथ। तो मैंने स्टेप्स बताया था उन्हें, और फिर लास्ट में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो मैंने उन्हें पूछा कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो ये सब। तो ये भी था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आप, मैं सैलरी पैकेज रिवील करता हूँ इसमें, कि इस रोल के लिए जो सैलरी पैकेज मैंने मांगा था उनसे 15 LPA पर एनम का। तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एक लाइक कर दो, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और भी मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह के वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।